यह वेद का पका हुआ फल है। किसका है पका हुआ फल? भागवत वेद का। निगम किसके कहते हैं? वेद को। गलितम यानी पका हुआ फलम। और महाराज बोले कि ठीक है, यह पका हुआ फल है तो भैया इसे क्या करें हम? बोले इसको पियो। बोले कैसी बातें करते हो आप, फल को खाया जाता है, आप पीने की बात कर रहे हो? बोले भैया इसमें गुठली छिलका नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको पियो। बोले पिए कहीं खट्टा हुआ तो? अगर खट्टा हुआ तो क्या गारंटी है कि मीठा होगा? बोले भैया सुख मुखात, इसलिए ये मीठा है कि सुख का तोते का मुख लग गया है। किसका मुख लगा है इसमें? तोते का। बोले भैया तोते का लगा है तो कैसे मान ले कि यह जो है मीठा होगा? बोले इसलिए दो कंडीशन है, जो फल मीठा होगा तोता उसी में चोंच मारेगा। आप गांव में रहे हैं, गांव में जानते होंगे ना आम के पेड़ होते हैं, जो मीठा होगा तोता उसी में चोंच मारेगा। या दूसरी कंडीशन है जिसमें चोंच मार देगा वो मीठा हो जाएगा। दोनों स्थितियों में जो है फल को मीठा होना ही है, दोनों स्थितियों में खट्टा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि तोते का मुख लगा है तो इसको ये मीठा है, छिलका गुठली नहीं। भैया पियो, कण रंधों से पियो। बोले अच्छा, तो बोले कब तक पिए? पीबत भागवत रस मालयम, पियो इसे। बोले कब तक? बोले मुहूर् मुहू। बोले बार बार पियो। बुद्ध बिहार में हो रही है तो पियो, और कृष्ण बिहार में हो तो वहां भी पियो, रोहिणी में हो रही हो तो वहां पियो। और जिसने कहा कि भैया मैं पी करके थक गया, अब तो बिल्कुल भूख नहीं है, तो वस्तुतः उसने कथा के रस को जाना ही नहीं, कथा के महत्व को समझा ही नहीं, जो कह दिया इनफ, बस भैया अब नहीं पीना। पी करके बिल्कुल अब मदमस्त हो गए, उसने उसके महत्व को उसके रस को समझा ही नहीं। बोले बार बार पियो। तो बोले भैया अब ये बता दो आप, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ये बताइए कि भागवत को पिए कौन? अभी सुने कौन? बताया गया था ना, उसमें बताया गया था कि निर्मत्सराणाम सताम, जिसके कपट ना हो वो भागवत को सुने। लेकिन अब भागवत को पिए कौन? ये सुनिए, रसिका भूवि भावुकाः। दो व्यक्ति पीने के अधिकारी हैं, कौन? एक रसिक, रसिक जिसे रस आता हो ना, ये नहीं कि मुंह बना ले। महाराज क्या वही वही कथा, क्या वही 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 वही। एक महाराज मिले, एक सेठ जी ही समझ लें, वो यहीं के हैं, इसी नगरी के। का क्या महाराज, वही सुखदेव, वही परीक्षित, वही बार बार वो दांत निकालने लगे। एक अजीब सा, मैं कहूँ निकाल लो, मैं भी निकाला। मैं कहूँ अब जब थक जाओ तो फिर बताना, यहीं की बात है, नाम नहीं लूंगा। बोले वही सुखदेव, वही परीक्षित, वही कथा, वही वो। तो भैया आज तुम लिख करके दे दो, अपनी जीवनी दे दो, आज मैं लाइव कथा में तुम्हारी जीवनी को बताऊंगा। अगर तुम्हारी जीवनी लोग सुनकर के एक घंटे भी बैठ गए तो मैं दो तीन कथा में तुम्हारी जीवनी बताऊंगा। तुम बोले महाराज छोड़िए, आप कहां फंसा दिए हमें। महाराज दो अधिकारी हैं, ऐसे लोग मिलेंगे, टांग खींचने वाले मिलेंगे, भगवान के मूछ क्यों नहीं होती है ये पूछने वाले मिलेंगे, भगवान लंबे चौड़े क्यों नहीं होते ये पूछने वाले मिलेंगे, भगवान मरते क्यों नहीं ये पूछने वाले मिलेंगे। भगवान को महाराज आप ऐसी बातें कर रहे हो कि आप तो देखे हैं लगता है, वो रील चल रही थी, ऐसे भी लोग मिलेंगे। इनमें आपको नहीं फंसना है, वो तो स्वयं डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, ये वो वाले लोग हैं।
भैया। हम इसलिए गुरुकुल में कहते हैं आजकल गुरुकुल में, और हम संगीत वालों से भी कहेंगे, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे वाराणसी में, और जब हम पहले उड़ीसा गए तो हमारे गुरु जी एक बात कहा करते थे महाराज की, भैया कलयुग आ रहा है, जिस भाषा में लोग समझे उस भाषा में जवाब देना, और कम से कम चार भाषाओं का नॉलेज हो ताकि तुम जवाब दे सको। और उसी गुरु की कृपा से आज चार से भाषाओं पांच भाषाओं में कथा करते हैं, और उसी गुरु की कृपा से महाराज आज सबके बीच में बैठ करके जिले को चला रहे होते। किसको? जिले को, जो लोग तरसते हैं उसी भाषा में। साइंस को पढ़े कि लोग हमें बेवकूफ ना बना पाए, मैथमेटिक्स को पढ़े, हिस्ट्री को पढ़े, फिलोसफी को पढ़े, लिटरेचर को पढ़े, ग्रामर को पढ़े, और सब पढ़ने के बाद आज कथा कर रहे हैं गुरु की कृपा से कि दुनिया प्रश्न करेगी, आपको फंसना नहीं है, बताना है, लोग फंसाएंगे आपको। लोग उड़ाते हैं ना संस्कृत वाले अंगूठा छाप होते हैं, ये बाबा होते हैं सबसे पढ़े, ये होते हैं वो होते हैं, शास्त्रार्थ करना है तो आए, क्या होते हैं ये परीक्षा दे करके आते हैं, नकल से नहीं, मेहनत करके।